एग्जाम से ठीक पहले हर स्टूडेंट्स नोट्स के पीछे पागल सा हो जाता है, चाहे वो अपने टीचर्स या प्रोफेसर से मांगना हो या अपने उन दोस्तों से जो हर एग्जाम में टॉप मारते हैं। सही कहा ना, तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो नोट्स बनाते नहीं, मांगते हो। लेकिन कभी भी एक सेकेंड के लिए ये सोचा कि जो नोट्स तुम्हारा दोस्त बना सकता है वो तुम खुद क्यों नहीं बना सकते? शायद इसलिए क्योंकि तुमको इफेक्टिव और एफिशिएंट नोट्स बनाने ही नहीं आता। कोई नहीं, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है बच्चों, मैं हूं इसके लिए। हाय स्टूडेंट्स, आई एम सीए राजकीय अग्रवाल एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स यू कैन यूज टू मेक नोट्स विच विल हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स इन एनी ऑफ योर एग्जाम। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये नोट्स की ट्रिक्स सभी में काम करेगी। नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट बनाता है। जब आप खुद अपने वर्ड्स में नोट्स लिखते हैं तो आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाते हैं और उन्हें याद रखने में आसानी होती है। और नोट्स बनाने से जिन बच्चों को पढ़ाई करते समय नींद आ जाती है ना, उनकी ये नींद वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, राइट? क्योंकि आप लिखते रहेंगे तो आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है नोट्स एक स्टूडेंट की एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो स्कूल लेवल का पेपर हो या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का हो, किसी प्रोफेशनल एग्जाम का हो, सब में ये काम आता है। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स नोट्स बनाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं जिससे उन्हें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलता। फिर उन्हें लगता है बेकार ही नोट्स बनाने में इतनी मेहनत करते हैं और वो नोट्स बनाना छोड़ देते हैं। पता है उन बच्चों ने कैसे नोट्स बनाए होंगे? कुछ इस तरीके के। अब तो आपको लग रहा होगा कि इतने सुंदर नोट्स हैं सर, आप कैसे कह सकते हैं कि इनसे इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि जो ऐसे नोट्स बना रहा है वो पढ़ाई पे कम और नोट्स की सुंदरता पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। वो नोट्स बनाने में ही अपना पूरा का पूरा टाइम व्यतीत कर दे रहा है, पढ़ाई करने का और उस नोट्स को यूज करने का, उस नोट से रिविजन करने का उसको समय नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आप पूछेंगे कि सर ढंग के नोट्स बनाए कैसे? बताता हूं। नोट्स बनाते समय ये पॉइंट्स दिमाग में रखना है। मेक योर ओन नोट्स, राइट? किसी दूसरे के नोट्स नहीं उठाने, अपने नोट्स बनाने। आप ऐसे समझिए कि हर इंसान की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जो चीज मुझे डिफिकल्ट लगता है आपके लिए आसान हो, आपके लिए जो डिफिकल्ट हो वो मेरे लिए आसान हो, राइट? तो हम अपनी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से जो हमें लगता है हम भूल जाएंगे, हम उन्हें नोट डाउन करते हैं, राइट? पता है हर इंसान की मेमोरी भी अलग अलग तरीके की होती है। कुछ लोगों को रास्ता याद नहीं रहता लेकिन लोगों का नाम बहुत तेज याद होता है। कुछ लोगों के साथ उल्टा है, किसी का नाम याद नहीं रहता, नाम मेमोराइज नहीं कर पाते, कहते इसका तो मिले, इसका नाम राहुल है कि क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है, नाम नहीं याद रख पाते, राइट? मैं आपको अपनी खुद की बात बताऊं, मुझे इनकम टैक्स के जीएसटी के पूरे सेक्शन रटे हुए रहते हैं। लोगों के लिए डिफिकल्ट है लेकिन मुझसे कहोगे रास्ता ना तो वो मुझे याद नहीं रहता। हाँ मैं आपको बताऊं, मेरी एक कमी है, मुझे रास्ते नहीं याद रहते, मैं भूल जाता हूं। तो अब देखिए, हो सकता है आप बहुत बेहतर हो इसमें, आपको रास्ते बहुत अच्छे से याद रहते हैं, सेक्शन याद नहीं हो रहा। तो नोट्स पता है कौन कैसे बनाता है? अपनी डिफिकल्टी। जब भी हम कोई सब्जेक्ट, कोई चैप्टर, कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो जो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है ना, हम उसके नोट डाउन करते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। तो दूसरे के नोट्स कैसे काम आ सकते हैं? आज के इंटरनेट की दुनिया में जहां हर दूसरी वेबसाइट, हर दूसरा टीचर आपको पीडीएफ या पीपीटी के फॉर्म में नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ध्यान दो बच्चों, फिर भी आपको मेहनत करने से पीछे नहीं हटना है, खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। क्यों? क्योंकि जब आप खुद से किसी चैप्टर को पढ़ के अपने नोट्स बनाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है और आप ये भी पता चल जाता है कि किस किस पॉइंट पे आप अटक रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपके लिए हार्ड है जिस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जब हम नोट्स बनाते हैं ना तो कुछ चीजें होती है, कुछ टॉपिक पे हम लिख ही नहीं पा रहे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें वर्ड्स ही नहीं मिल रहा है। तो हमें ये भी क्लैरिटी आ जाती है, यार ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे ना क्लियर ही नहीं है, तभी तो नहीं बन रहा है मुझसे। तो व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देन ऑल्सो यू नो कि भाई ये चीज मुझसे नहीं होगी। वैसे भी कहा गया है कि आफ्टर राइटिंग इंफॉर्मेशन वंस एन इंडिविजुअल माइट रिटेन अराउंड 30-40% ऑफ द इंफॉर्मेशन इमीडिएटली। जब आप नोट्स बना रहे हैं 30-40% चीजें तो उसकी आपके दिमाग में उसी समय बैठ जाती हैं जब आप लिखते हैं। मतलब आपने जब एक बार खुद से पढ़ाई के नोट्स बनाए तो कॉन्सेप्ट के 30-40% आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ चुका है। अब आपको थोड़ा सा और मेहनत करनी है रिवीजन के दौरान कि उसे आप 100% बैठा सकें। सेकेंड,
जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, बहुत से बच्चे अपनी नोट्स बनाते समय अपने अंदर का ना छुपा हुआ आर्टिस्ट बाहर निकाल देते हैं। डिफरेंट कलर्स के पेन यूज करेंगे, पेंसिल्स यूज करेंगे, ड्राइंग बनाने लगते हैं, राइट? और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है। नोट्स पे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उसे सिंपल एंड ऑर्गेनाइज रखना है। ज्यादा टाइम इस पे नहीं करना है नोट्स पे, जितने शॉर्ट प्रेस होंगे उतनी आसानी से एग्जाम के पहले आपका रिवीजन होगा, राइट? सेंटेंसेस भी पूरे पूरे नोट्स में मत लिखिए, ब्रोकन सेंटेंसेस लिखिए। ब्रोकन सेंटेंसेस का मतलब समझते हैं, जितने भी एज एम आर इस टाइप के वर्ड्स हैं उसको हटा के छोटे छोटे दो दो तीन तीन वर्ड से एक लाइन बनाने की कोशिश कीजिए, राइट? और तीसरी बात, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये भी बहुत कॉमन है बच्चों में कि इंपॉर्टेंट के नाम पे ना वो पूरा का पूरा बुक ही नोट्स में उतारने लगते हैं। नहीं बच्चों, इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा पूरा बुक घोल के पियोगे, बल्कि इंपॉर्टेंट का मतलब वो पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि आप शायद ये भूल जाओ, मेरे दिमाग में ये बात एंड पॉइंट पे स्किप कर सकती है, वो पॉइंट अंडरलाइन करके हाईलाइट कर ले ताकि रिवीजन के टाइम आपका फोकस तुरंत उस पॉइंट पे चला जाए, ठीक है? मैंने तो कुछ बच्चों की किताबें देखी हैं, हाईलाइटर वो यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए, और पूरा पूरा बुक ही हाईलाइट मार देते हैं। अरे फिर फायदा ही क्या हुआ हाईलाइट करने का, राइट? हाईलाइटेड बुक आपकी तैयार हो गई वो, ठीक है? रेलेवेंट वर्ड्स, रेलेवेंट लाइंस, जो लगता है अरे यार ये तो मैं नहीं सोच सकता था, ठीक है? जैसे मैं अपनी क्लास में क्या करता हूं, मुझे लगता है कि इस बात का बच्चा जवाब गलत देगा तो वो क्वेश्चन में जरूर पूछता हूं जो जिसके आंसर बहुत ऑब्वियस नहीं है, ठीक है? तो सामने वाला बच्चा जब गलत जवाब देता है, मैं कहता हूं कि अब इसका जो सही जवाब है अपनी बुक में हाईलाइट करो, राइट? क्यों? क्योंकि ये चीज आप नहीं सोच पा रहे थे, ठीक है? देखिए इसका आंसर कुछ डिफरेंट है, तो ऐसी बातों को ही हाईलाइट किया जाता है। नाउ फोर्थ, यूज एब्रीविएशन एंड सिंबल्स। इससे नोट और छोटे हो जाएंगे ना आपके। एब्रीविएशन और सिंबल्स को यूज करने की हैबिट को डेवलप करें। जैसे अगर बैलेंस शीट लिखना है तो बी ऑब्लिक एस बैलेंस शीट लिखिए ऐसे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है तो राइट इट एज PNL। नोट्स को जितना क्रिस्प और कंसाइज रखेंगे उतना टाइम की बचत भी होगी और रिवीजन आसानी होगा से हो जाएगा। लेकिन हाँ बच्चों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज करने लगो जो खुद को ही बाद में याद ना रहे, ठीक है? जिनको आप कॉमनली बोलते हो, यूज करते हो, बस वही शॉर्ट फॉर्म नोट्स में यूज कीजिएगा। नोट्स बनाते समय नया नया शॉर्ट फॉर्म मत बनाने लगिएगा जो आप अब पहली बार खुद बना रहे हो, राइट? जो चीज मुझे मालूम है, मैं आम बोलचाल की भाषा में उस शॉर्ट फॉर्म को यूज करता हूं, बस वही शॉर्ट फॉर्म आपके नोट्स में भी होने चाहिए। मेन मंत्र हमेशा याद रखना कि नोट्स जितने सिंपल हो सके उतना अच्छा। अब आप नोट्स में डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स में कुछ ग्राफ्स वगैरह होते हैं, राइट? मैंने बताया था अभी आपको कि रनिंग सेंटेंसेस को ब्रोकन सेंटेंसेस में लिखिए, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 5 स्टेप हैं तो स्टेप को एरो बना बना के दिस 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 इस तरीके से भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं। फिफ्थ, लीव पेज आफ्टर एवरी चैप्टर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप अपनी नोट्स में कुछ ऐड करना चाहते हैं चैप्टर खत्म होने के बाद, तो कैसे ऐड करेंगे? आप एक खाली पन्ना छोड़ दें और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें। ऐसा करने से बाद में अगर आपको कुछ ऐड करना पड़ा अपनी नोट्स में, कोई अपडेट करनी पड़ी, तो आपको अपने एग्जिस्टिंग रिटन नोट्स में खिचड़ी नहीं बनानी पड़ेगी कि एक जगह नहीं है घुसेड़ के कहीं कहीं लिख रहे हैं। एक खाली पेज आपके पास होगा, वहां पे आप सारे अपडेट्स को लिख सकते हैं। तो ये रही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल हेल्प यू मेक नोट्स जो शायद आपके टॉपर दोस्त से भी अच्छे हों, और फिर आपको नोट्स के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े, राइट? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो जो शायद आपके फ्यूचर में आपकी हेल्प कर सके, देन डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।